हम हैं इंडिया लाइव 7 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 7। आइए नजर डालते हैं अभी की खबर पर। नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और अभी हम जहानाबाद के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गिरजेश कुमार साहब के पास हैं। होली का पर्व है और होली किस तरीके से मनाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें, इन सभी मुद्दों पर हमारी बात डॉक्टर गिरजेश कुमार साहब से है। सर, सबसे पहले तो होली की मुबारकबाद दी इंडिया लाइव 7 की तरफ से। और सर, अभी होली का पर्व है और वायरस भी, कोरोना वायरस का भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं IMA, चूंकि मैं सेक्रेटरी हूं जहानाबाद ब्रांच IMA का, तो IMA की तरफ से पूरी जहानाबाद की जनता को शुभकामना देना चाहता हूं होली के पर्व पर, कि लोग खुशी पूर्वक मनाएं। ये बहुत ही मजेदार पर्व है और इसको काफी एंजॉय करें और मनाएं, मेरी तरफ से पूरी शुभकामना है। लेकिन कुछ विशेष ध्यान देने की भी आवश्यकता है ताकि ये होली सेफ हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। खासकर अभी तो कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, पूरी दुनिया में है और हम लोगों के यहाँ भी ये कई केसेस मिलने लगे हैं, तो इसमें दहशत नहीं हो लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और उसके लिए है कि गैदरिंग को अवॉइड करना है, कि जहाँ बहुत लोग एक साथ हों और इस तरह की बातें हों तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करना है। होली जरूर खेलना है लेकिन गैदरिंग को अवॉइड करना है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, वो ध्यान देना है, दो तीन बातों पर ध्यान देनी है, और वो है कि किन्हीं को फोर्सफुली रंग नहीं लगाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उससे जो है आंख में या मुंह में रंग पड़ जाने की संभावना है और उसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं। आजकल जो आता है बहुत सा कलर, उसमें केमिकल है, तरह तरह का केमिकल मिला रहता है जो आंख को, मुंह को, स्किन को डैमेज करता है। तो एक ये भी कहना चाहेंगे कि जो है इको फ्रेंडली कलर जो है, हर्बल कलर जो है, उसका अच्छे क्वालिटी का कलर का इस्तेमाल होना चाहिए और किसी तरह की इसमें जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं तो कभी कान में पानी चला जाता है, कभी जो है आंख में रंग चला जाता है और आंख में पाउडर चला जाता है, तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक और बात बताना चाहेंगे, छत पर से लोग जो है बैलून में पानी भर के या कुछ और चीज़ डाल करके फेंकते हैं, तो उससे भी जो है सो इंजुरी की संभावना रहती है और ऐसा करना नहीं चाहिए। रंग फेंकना देना ठीक है लेकिन बैलून में भर करके जो है इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात एक और बताते हैं कि होली के समय में जब रंग का ये त्यौहार है तो आप जरूर जो है सो अपने को बचाने के लिए वैसलीन या नारियल तेल पूरे चेहरे पर और शरीर पर लगा करके ही निकलें, ताकि जो रंग अगर आपको कोई किन्हीं के द्वारा लगाया जाता है तो उसका असर उतना नहीं पड़े। तो वैसलीन या मतलब कोकोनट ऑयल का यूज अवश्य करें। एक और बात ध्यान देने की है कि किसी भी एनिमल को, जानवर को रंग लगाने का कोशिश ना करें। आप तो अपना रंग छुड़ा लेते हैं बैठ के, लेकिन उनको दिक्कत हो सकती है। ये ह्यूमन का है, आदमी का होली है, जानवर का होली नहीं है, इसलिए जानवर को इससे सुरक्षित है। फिर पानी की भी समस्या हम लोगों की है, तो पानी का भी अननेसेसरी बिना मतलब का बर्बादी भी जो है सो नहीं होना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बाकी रंग अगर लग गया है तो उसको कैसे छुड़ाएंगे, इस पर भी ध्यान देना है कि बार बार रगड़ रगड़ करके अपने चमड़ा से जो है रंग हटाने का कोशिश जो किया जाता है और साबुन लगाते हैं, उससे स्किन ड्राई हो जाता है। अब बहुत दिनों तक रूखा स्किन होता है, कभी कभी छील भी जाता है, तो वो नहीं करना है। बल्कि कोकोनट या मतलब सरसों का तेल किसी तरह का वाल लेकर के कपड़ा में सोख करके और उसको उसी से उसको छुड़ाना चाहिए और इससे स्किन सेफ रहता है, बचता है, आगे रूखा नहीं होता। इन्हीं सब बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है
और होली खेलने की तो कोई रोक नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतें। तो यानी कि अच्छे रंगों का इस्तेमाल करें, किसी को जबरदस्ती रंग ना लगाएं और खूब मजे से होली मनाएं। विक्रमादित्य के साथ मुशर्रफ पालवी।